जिंदगी का साथ निभाता चला गया, खाता चला गया, मैं लगाता चला गया। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया करो, टिकटॉक से फुर्सत मिले तो सो भी लिया करो। पूरी कौम है वीडियो बना रही, लो फिरा रहे हैं वासी चौधरी। देखने और चाहने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्लाह का करम है माशाल्लाह। ठीक ठाक। क्या हुआ? आज मेरा गला खराब है। गला नहीं खराब, इन्होंने किसी ने कहा कि अपने पर डेंगे नहीं बोलना। सब क्या हुआ आपको? समझ नहीं आई सर, बिल्कुल रात को सही सोया था। अच्छा। सुबह उठा तो सलाम ही नहीं किया गया किसी से। ख्वाब दे विच ना किते बस च सवारियां बोंदे रहे शेखपुरे वाले, शेखपुरे वाले। नहीं मगर ये तो बहुत ज्यादा। क्या जी? बिल्कुल गले में पूरा दर्द हो रहा है। क्या तकिया गले पे रख के सोए थे? नहीं नहीं, वो तो भाभी ने रखा जी। वो बेचारे ने 10 मिनट तकिया रखा, इन्होंने गल ही बना लिया। क्या उन्होंने 10 मिनट तक रखे, इन्होंने गल बना ली। पाकिस्तान में लगे अगली बार तो उसकी उर्दू डबिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अब बीते लाले ड्रामे कि नाम तुसी होंदे ना, बड़ा मजा आना। लेकिन आज प्रोग्राम भी अजीब जिहा ही हो रहा। ठाकुर साहब का गला खराब है, तुसी लेडी शर्ट पाए जे माशाल्लाह। भाभी वासे भाई पता की कहते? कहते कि तुम मैंने शादी तो पहले क्यों नहीं दसा कि तुम एडे गरीब जे? कहते जान मैं शादी तो पहले तेन यही तो दस रहा, तेरे तो अलावा मेरे को कुछ नहीं है। वैसे आपका तो आज बिल्कुल ही गले का हाल कोई नहीं है मेरे ख्याल से, आप इनको अपना स्पोक्स पर्सन रख लें। जी कह रहे हैं कि तर्जमा करते हैं। हाँ, तो आप इनके स्पोक्स पर्सन रहिएगा। और बात हो रही है स्पोक्स पर्सन की, तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर स्पोक्स पर्सन रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बनता जा रहा है। इस बारे में जानेंगे पंजाब गवर्नमेंट के ही एक स्पोक्स पर्सन से, जो कि साथ ही साथ है प्रोविजनल मिनिस्टर फॉर पॉपुलेशन एंड वेलफेयर इन पंजाब, जनाब मोहम्मद हाशिम डोगर। खराब हुआ हुआ है, ऐसे अमूमन सिंगर्स का होता है ये हमने सुना था, लेकिन आज हमारे पास इनका गला है जो कि खराब है। जो सिंगर हमारी दूसरी मेहमान है उनका गला बिल्कुल ठीक है और बड़ा ही जबरदस्त गले में से आवाज आती है। मुख्तलिफ फिल्मों में आप उनके गाने सुन चुके हुए हैं, जिसके अंदर अर्थ, जवानी फिर नहीं आनी, जट, जेम्स बॉन्ड, हल्ला गुल्ला, इश्क पॉजिटिव और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं। 3 दफा लक्स अवार्ड के लिए भी बेस्ट प्ले बैक सिंगर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है मोहतरमा सना जुल्फिकार। शेर तो लाया हूं मैं। जी जी, लेकिन समझेगा कौन? आपके शेर की हालत आजकल के शेरों जैसी है। अजीब कर्ब में गुजरी, जहां गुजरी, अगरचे चाहने वालों के दरमियां गुजरी, तमाम उम्र चरागे उम्मीद जलाते रहे, तमाम उम्र उम्मीदों के दरमियां गुजरी। मेरा इदा शेर जी पीटीआई ली के चार दिन होए अजे हलफ चुके हैं, हर पासे एहो दुहाई होवे। चार दिन होए अजे हलफ चुके हैं, हर पासे एहो दुहाई होवे। भुख नाल गरीब पे सहकदे ने, रब्बा एहो जई ना मंगाई होवे। बल्ला बल्ला करदा ओ भी चुप होया, मोर बल्ले ते जिन्ने भी लाई होवे। हाशम भाई आए ने, मेरे ते वड्डे भाई ने, ते इन्हां वास्ते शेर अज। लड़की से तो बातें होती रहेंगी ना, ये तो है ही जी। जो बोला है सोचा था वो करेगा, लूटा हुआ खजाना मिनटों में वो पूरा करेगा। एक बात तो बता दें हाशम भाई, डैम बनेगा या फिर यूपीएससी लगवाना पड़ेगा? खैर यूपीएस के तो अभी हालात इतने नहीं है और अब तो आगे कुछ मौसम तब्दील होने वाला है, तो आप भी शुक्र अदा कर रहे होंगे कि ये यूपीएस वाली चीज़ के ताने हमें शायद ना पड़े आगे इतने।
और वैसे भी काफी बिजली पैदा हो चुकी हुई है जी, तो ये तो कुछ अच्छी चीज़ आपको दे गए पिछली हुकूमत वाले कि बिजली तो है जी, ये तो मानते हैं ना आप? बस कोई थोड़ी मिसमैनेजमेंट थी और मेरा ख्याल है कि अब आपने देखा होगा इस साल सर उन्होंने पावर प्लांट भी लगाए काफ़ी। पावर प्लांट्स की भी अब एक लंबी कहानी है, नहीं, नहीं, नहीं मगर है तो सही ना बिजली जी, बिजली आ रही है बिल्कुल है, ये बात कहने में कोई आर नहीं है, आर नहीं है कि बिजली आ रही है, सिंपल सी सिर्फ ये कि उसका जो एक बहुत ज़्यादा जो एक सरकुलर रेट में जो इजाफा जिस खौफनाक हद तक चला गया उसको मैनेज करने में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतरी भी अब आई है, मगर बिजली थी बिजली है, मैं बिल्कुल आई लग रही हूँ। साहब ये बताएं कैसी है पंजाब हुकूमत? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक है। ए इधर से बंदा उधर जा रहा है, उधर से बंदा इधर आ रहा है, इधर से वजारत निकाल दी, उधर वजारत दे दी, कमाल माहौल बना हुआ इस वक्त, तो क्या हो रहा है सर ये? बस ये कोई ज्यादा मेरा ख्याल है फुर्तियां शुर्तियां दिखाने का टाइम नहीं है, तो अच्छे तरीके से जो लोग भी एक नॉर्मल तरीके से इस गवर्नमेंट में एडजस्ट हो चुके हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। तो ये जो चेंज हो रहे हैं ये एडजस्ट नहीं हुए थे? ऑब्वियसली ये एडजस्ट नहीं हुए, या उनकी कोई ऐसी कोई बात इनको नहीं पसंद आई या सीनियर्स को पसंद नहीं आई, तो इसी वजह से चेंज हुआ। शहबाज गिल साहब क्यों चले गए? वो तो इतने सीनियर्स के पसंदीदा थे और एक साल आपने उनको रखा, इतना फ्रंट फुट पे खिलाया, एकदम हिट विकेट हो गए लिटरली। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है अपेरेंटली, और मैंने आपसे अर्ज की ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, गिल साहब की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा गिल साहब के लिए कह रहे हैं, तो बस कोई मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे वो शायद सीएम साहब को या पीएम साहब को नहीं पसंद आया होगा। पीएम साहब तो कुछ बोले ही नहीं, सीएम साहब के साथ ही लगता है कोई माहौल था। मगर आपको पता है कि पार्टी में डिसीजंस हमारे पार्टी के हेड जो हैं वो सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म नहीं है, वो पार्टी के भी हेड हैं, तो इसलिए इनको चूंकि पार्टी की तरफ से ही वॉज नॉट अ इलेक्टेड मैन और एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर थे, तो अब चूंकि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है कि क्या वजह बनी कि क्यों उन्होंने रिजाइन, चले वो आप बता दें। बुज़दार साहब मैं तुम्हें गारंटी देना मुल्क ठीक कर देंगे, सख्त हो गए ने बहुत, मुल्क नहीं सूबा, उन्होंने हेलीकॉप्टर जो परिंदा नहीं वजा, उन्होंने सारी फैमिली अंदर करवाती परिंदे दी, हाँ जी कबूतर भी अंदर 302 च 302 यार भाई, और तुम ये बात आ जाओ अब बुज़दार साहब जो है माइंड करना शुरू हो गए हैं जो हालात चल रहे हैं, मैं तो चाह रहा मुल्क के हालात ठीक होने, क्योंकि सब तो ज्यादा देखो मैं ऑनर कह रहा हूं कि स्पोर्ट ज्यादा पीटीआई नु मैं मतलब कि मैं क्या क्या सपोर्ट किया आपने? मैं चाह रहा था कि पीटीआई है उन्होंने चांस मिलना चाहिए, अच्छा हूं मैं ही कह रहा हूं कि अच्छा चांस मिले नहीं, मगर ये देखो साल बहुत आप लोगों ने कर लिया, बहुत क्रिटिसिज्म हो गया है ना सर? नहीं वो रहेंगे इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं, बुज़दार साहब के अंदर का जो सिंगम है वो बाहर आना शुरू हो गया, ऐसा कुछ लग रहा है आपको भी? नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं, और यकीन करें कि बहुत ज्यादा मिसपरसेप्शन, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि हमें अनफॉर्चुनेटली 10-12 साल से आदत पड़ी हुई थी कि एक वज़ीर आला होगा जिसने एक हैट पहना होगा, नीचे बड़े बड़े बूट पहने होंगे, तो वो भागता हुआ आपको हर तरफ नज़र आएगा, कभी पानी के अंदर कभी किसी जगह। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप इवन के इस वक्त जो हमारे साथ पार्लियामेंटेरियंस हैं नून लीग के, जब आप उनसे भी ऑफ द कैमरा आप अगर बात करेंगे तो यकीन कीजिए कि ऐसा वज़ीर आला जो कि अपने MPAs को मिनिस्टर्स को जिस तरह के इख्तियारात उन्होंने हमें दिए हुए हैं, अब ये तो हमारी नलायकी है ना कि अगर मेरा डिपार्टमेंट सही नहीं चलेगा या हेल्थ कर, CM साहब इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने आज तक नीचे से पुटअप की हुई किसी एक भी चीज़ को नो नहीं कहा जो एक डिपार्टमेंट से आई है, और वो कहते हैं आप करें काम करें, तो हम उनको क्यों बुरा कहें? अगर डिलीवर नहीं हो रहा तो मुझे कहना चाहिए या जो मेरे साथ के बाकी 35-36 वजीर हैं उनको कहें जिनका डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा। मतलब ये जो पुलिस वाला मामला हो रहा है पंजाब के अंदर, तो इसके लिए हम किसको कहें? इसके लिए आप पुलिस की जो अथॉरिटीज़ हैं, आप यकीन कीजिए कि पुलिस को तो हम कहते ही रहते हैं लेकिन फिर वज़ीर कानून को भी नहीं नहीं, नहीं। देखें वज़ीर कानून जो हैं ही इज़ नॉट अ होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो हैं वो वज़ीर आला साहब के पास हैं, मगर आप उन्हीं से पूछ के देखें कि इतना इंडिपेंडेंट IG पुलिस कभी भी नहीं रहा। इससे पहले DPOs को बुला के वज़ीर आला के ऑफिस में उनके इंटरव्यूज़ होते थे RPOs के, अब आप इनसे पूछें क्या ऐसे हो रहा है? मतलब DPO को बुला के क्लास तो कर सकते हैं ना वो, जब आप बिल्कुल एक नई नई चीजें हों और अब समझ आ रही हो तो आप DPO को बुला लेते हैं? नहीं वो एक पुरानी बात है और देखें जब एक साल के अंदर ही थी, नहीं मगर वो बहुत शुरू का वाक्य अगर आपको याद हो, अब नहीं होता ये, उसके बाद कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ हो जब एक चीज नई हो
obviously unko experience bhi nahi tha, he had never been a bahut purana waqia to yaadgar edda hunda si bilkul yaadgar yaar tum to na bahut purana waqia shuru da waqia kya tum sari baat sir nahi mere main te bhara main te unna nu kuch kehna main andar hona yaar kyun yaar ye kya meri te mainu pata nahi si hun te mainu pata hai population ke minister ne kanoon ke nahi hai kyun dar rahe ho itna kanoon hi na pata char panch bande naal inne sirf inna kehna diggi mein dal lo diggi mein dal lo yaar kya baat hai bacche kitne mashallah aapke mashallah mere koi bhi nahi kya बोली ना माशाल्लाह तीन बच्चे ने हाँ जी माशा आपके कितने हैं जी मेरे के तीन शादियां 18 बच्चे ने भाई वो पॉपुलेशन के मिनिस्टर और आपने सामने 18 बच्चे वाले बिठा दिए तीन शादियां माशाल्लाह अकरम शादियां हाशिम भाई और बच्चे और ना करो ना टैक्स ला देना की करें मतलब वैसे सर कितने हो तो बच्चे अच्छे होते हैं नहीं वो खत्म खत्म कर दिया आपने सारे अच्छे होते हैं अगर वो सेहतमंद हो उनको तालीम मिले और वो पैदा होते ही अस्पताल पे डिपेंडेंट ना हो तो आप यकीन करें वो दो हैं तीन हैं चार मुझे कोई उससे आपको कोई मसला नहीं है मुझे मसला ये है कि अगर अगले दिन अस्पताल पे डिपेंडेंट हो गए और उनको पैदा इस मकसद के लिए किया गया कि ये तो जब 4 साल के होंगे तो ये फिर उसके बाद या भीख मांगेंगे या किसी बड़े आदमी के घर में काम करेंगे अल्लाह माफ करे तो वो फिर वहां से आके सारा बैलेंस योर कंसर्न इज द हेल्थ साइड ऑफ इट हेल्थ उनकी एजुकेशन अच्छा और ओवरऑल जो मुल्क की एक ग्रोथ होती है उसमें इस आबादी के साथ जिसको मैं तो एक बीमार आबादी समझता हूँ हम ग्रो नहीं कर सकते मैं एक छोटी सी बात है आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं इमेजिन करें यही सूबा इसके यही वसाइल होते और आज हम 4 या 5 करोड़ होते बजाय 11 करोड़ के तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारे हालात UAE से भी बेहतर होते इशू ये है कि बच्चे पैदा इसलिए नहीं किए जा रहे कि ये कल को तालीम याफ्ता होंगे वो इसलिए किए जा रहे हैं कि ये बड़े होंगे ये किसी के घर में काम करेंगे वही उसको रोटी देगा वही कपड़े देगा दैट इज अ बिग इशू आशिम साहब ने तो अपने इलाके में ऐलान कराता अब बच्चे पैदा नहीं होंगे सिर्फ बिजली पैदा होगी यार सर मुल्क की तरक्की वास्ते आप क्यों नहीं बोल रहे कुछ सर मैं उन्होंने सुनी जान दिया आप बताएं माशाल्लाह कितने बच्चे हैं मेरे 6 बच्चे 6 बच्चे माशाल्लाह और वो तो जो बचे है ना उन्होंने टोटल बच्चों का पूछे 6 तो जुड़े जुड़े ने ना 6 तो तुम रबड़ा चढ़ा के उन्होंने साइड पर रखे ना जेडे बड़े ने जिन्होंने शादी शुदी की थी जिनकी शादियां हो चुकी हैं और हम रजिस्टर से नाम काट रहे हैं एक बेटे की शादी हुई है बाकी जो है ना वो उनकी नहीं हुई और बेटा भी आप जैसा ही है नहीं मेरे से भी खूबसूरत था सना कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं खुश हैं बहुत माशाल्लाह जबरदस्त और सिंगिंग सही चल रही है बहुत अच्छी सिंगिंग में कोई दुश्वारियां तो नहीं है नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त और हुकूमत वक्त से खुश हैं अभी तो फिलहाल हम सब्र कर रहे हैं क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है अच्छा कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं हो जाती हम इंसानों की ना फितरत है ये कि कोई चीज नहीं आती है तो हम चाहते हैं कि वो फौरन से अपना असर दिखाए ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक जब तक हम अपना पूरा पावर अपने सब्र पे नहीं रखेंगे तो हमें उसका फल मीठा कभी नहीं मिलेगा सही बात मगर अगर सब्र करते रहे और फल के तौर पे हमें 4 साल बाद कहीं नून लीग या पीपल्स पार्टी मिल गई तो आप खुश रहेंगे नहीं तो कितने साल बाद लगेगा सब्र का फल 2-3 साल बाद तुसी कहना वे सब्र ही पैना साडा फिर वो उनके गाने सुने आपने मैं सुने उन्होंने गाने मैं उन्होंने खरिया खरिया भी सुनिया आप गानों की बात करते हैं कौन सा आपका कौन सा फेवरेट गाना उनका वो जो उलाला उलाला वो इनका गाना नहीं कर रहे अच्छी खासी वो सिंगर हैं 3 बार नॉमिनेट हो चुकी हुई हैं लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए हाँ जी मुझे पता है तो गाना बताओ ना मुझे कौन सा वाला गाने मैंने इनके सारे सुने लेकिन ये नहीं पता था कि सना जी ने गाया गाने अच्छा हाँ जी हाँ जी ये वैसे एक आम फैम बड़ा होता है सना के लोग अक्सर जो होता है वो हमेशा प्लेबैक सिंगर में स्पेशली वो एक्टर के साथ एट्रीब्यूट करते हैं आवाज को कि ये शायद आपका जिस तरह गाने सुहाय के ऊपर पिक्चराइज हुए हुए हैं तो अब उनको लगता है कि सुहाय की ही आवाज है शायद ये एक आम फैम होता है तो ये किसी पॉइंट पे जाके तकलीफ होती है इस बात की तकलीफ नहीं होती है उस पर आई थिंक हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है क्योंकि बीइंग अ प्लेबैक सिंगर व्हाट वी डिड कि हम लोग प्लेबैक करके हमेशा पीछे रहते हैं हम लोग खुद अपने फेस को प्रमोट नहीं करते हैं कि अगर हमने कोई गाना गाया है तो हम बताएं लोगों ने नाम पढ़ लिया है क्योंकि मूवी ख़त्म हो गई लोगों का सब्र भी ख़त्म हो गया इंजॉय कर लिया अब कोई एंड पे मूवी के क्रेडिट्स देखने के लिए नहीं बैठेगा
तो हमें अपने तौर पे ये करना चाहिए कि कम से कम हमें अपना फेस खुद प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि ये गाना इसने गाया है और ये बंदा ऐसे दिखता है। एक्टर वो अपना काम करके चला गया, लेकिन पर्दे के पीछे जो काम हुआ होता है ना, उन लोगों का क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगरों को बेचारे ने प्रॉब्लम होती, फिल्म देख रहे होना तेरे उन्होंने आप दसना पड़ता है ये मेरी आवाज है। के दरिया में रवानी की कमी थी और दूसरे दरियाओं में पानी की कमी थी। तफसील जो बयान की नैब के आगे, इसमें किसी अच्छी सी कहानी की कमी थी। कुछ इसलिए मिलती नहीं है नौकरी मुझको, सब कुछ है मगर चर्ब जुबानी की कमी थी। सच कहना आ जो भी बंदा आता है ना मिनिस्टर जो भी आए ने, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब रोंदे ने गरीबां दी वजह ते हुण मुबारक होवे एक साल हो गया गरीब खान साहब दी वजह ते रो रहे ने। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। डोगर साहब आपको मौसीकी से लगाओ। बस सुन लेते हैं कोई। किसकी सुनते हैं? नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनते थे, राहत साहब को, और कोई बहुत ज्यादा मेरा नहीं है। सीधी बात है इतना। ये तो वो आप उनके नाम बता रहे हैं जिनकी जो गा के सुनाते हैं आपको, जो गा के नहीं सुनाते उनमें कौन कौन है? जो गा के नहीं सुनते वो आरक के साथ होती है उसमें ऐसी कौन नहीं, मतलब घर पे तो जारी बात सब सुनते हैं हम लोग, वो तो एक ही कहानी है, यूनानिमस अक्रॉस द बोर्ड एक रूल अप्लाई होता है, मगर उसके अलावा तो कोई नहीं। ज्यादा हल्के में सुननी पड़ती है लोगों की, हल्के में भी सुननी पड़ जाती है। अजय चार साल और सुननी पड़नी है जी ज्यादा। ये तो सुननी सीधी बात है, तवक्कुआत जब इतनी ज्यादा हो तो एकदम तो नहीं पूरा हो सकता। जिस तरह पूरी कौम है, मैं भी उसके साथ यही सोचता हूँ कि अल्लाह करे हमारे मुआशी हालात बेहतर हों। कोशिश हो रही है, ये मैं आपसे कोशिश कर सकता हूँ। बिल्कुल कोशिश तो कर रहे हैं। सना का कभी गाना सुना आपने? शायद सुना होगा, मुझे अब ये नहीं होगा। फिल्म वगैरह देखते हैं सर कोई? फिल्म बहुत कम बहुत कम। आखिरी कब देखी थी? जो उदो मियां साहब बाहर होंदे सन। यार मियां साहब से क्या ताल्लुक है फिल्म? इन्होंने अंदर कीता। पाकिस्तानी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी। पाकिस्तानी फिल्म नहीं कोई, कोई और वो पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ वो देखी थी। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी लगी थी। अभी मेरा ख्याल है कि हमारी ये जो इंडस्ट्री है दे मस्ट ग्रो, और ये चूंकि हमेशा ही अंडर इन्फ्लुएंस रही है बॉलीवुड के, वो एक उनकी इतनी बड़ी मार्केट है, तो ये तो एक अच्छी बात है। अब उनके मूवीज़ नहीं आ रही, जैसे आप माशाल्लाह इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा हमें करना चाहिए। और 22 करोड़ की आवाम है हमारी भी, कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है, तो इसमें हमारी इंडस्ट्री अच्छी खासी ग्रो कर सकती है। अलग करे करे, मगर वैसे डॉक्टर साहब लगता नहीं कि पेट्रनाइजेशन की भी ज़रूरत है हुकूमती सतह पर? बहुत ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें से आज भारत की, मैं समझता हूँ कि जो उनकी दो तीन बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर एक फिल्म इंडस्ट्री है, तो ज़्यादा रेवेन्यू भी दे रही होगी मुल्क को बहुत ज़्यादा, तो इसकी तो करनी चाहिए। इसमें अगर गवर्नमेंट कोई 15-20-25 अरब, हम एक रावी का पुल बनाते हैं वो कितने अरबों का बनता है? तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा इसको पैटर्नाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करे और अच्छी अच्छी फिल्में बनाए। अगर आपको मजे का बताऊं कि ये कोई भी नहीं किया, ये नहीं किया। आप लोग तो खैर अभी एक साल हुए हैं, आपको तो क्या कहें, मगर उससे पहले जिन्होंने 10-10 साल रखे उन्होंने भी कुछ ना किया ऐसा नहीं किया, और ये ज्यादती की है, आपने अपना नुकसान किया। आप मुझे याद है कि हमारे कितने अच्छे टीवी शोज हुआ करते थे, तो तुम भी थोड़े जे पैसे लगा के फिल्म बना लो, मैं पंजाब नहीं चलाऊंगी। बहुत अच्छे, कोई हाल नहीं आपका। अकरम उदास साहब सब पैसे लाना चाह रहे हैं, लान दो उन्होंने। वो पैसे फिल्म पे नहीं लगाना चाह रहे, वो कुछ और कह रहे हैं कि पूरी एक इंडस्ट्री के लिए। अच्छा अच्छा सारे, मैं क्या खरे अपनी फिल्म कोई बनाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं वो वाली फिल्म तो चल जाएगी ना, अभी वो चलेगी इंशाल्लाह। और चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में हम सुन रहे थे कि शायद बीच में ये भी बहुत कयास हो रही थी कि शायद कोई तब्दीली आने लगी है, यही सबसे बड़ी ज्यादती है। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप इतना ज्यादा हमारे मीडिया में हमारे हर जगह पे कि जी वो उनको चेंज किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, भाई क्यों चेंज किया जा रहा है? और मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ जाती है, उस्मान साहब के साथ। एक बंदा सुबह शाम यही आई एम श्योर वो सुनते होंगे कि भाई मैं तो, हालांकि ऐसी बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब 7-8 मौक़ों पे कह चुके हैं कि ही इज़ नॉट बीइंग चेंज। हम तो अभी तक इसी चीज़ों में लगे हुए हैं कि उन्होंने जाना है कि नहीं जाना, तो मैं वैसे आई एम वेरी श्योर ही इज़ डूइंग वेरी वेल, व्हाई शुड ही गो? बात बताएं सर, ये बड़ी अजीब बात नहीं लगती, व्हाई इज़ इट ओनली विद हिम That it happens. आपको नहीं इतना सुनने को मिलता? मुराद अली शाह जा रहे हैं, महमूद खान जा रहे हैं, ये नहीं कभी इतना हमें सुनने में आया। Why is it only कि उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर ही बात आती है कि वो जा रहे हैं? बस वो हजम नहीं हो रहा, ये जो बड़े बड़े लोग, महमूद खान साहब भी तो पहली बार बने चीफ मिनिस्टर, केपी उनके बारे में स्टेक्स पंजाब के बहुत हाई स्टेक्स हैं,
तो इसी को हमेशा टारगेट किया जाता है। हम भी जब पीटीआई वाले ऑपोजिशन में थे, हो सकता है हम भी ज्यादा पंजाब को ही टारगेट करते हो। नहीं, आप तो फेडरल पे करते थे माशाल्लाह। फेडरल पे भी करते थे और इधर भी। यहाँ पे हजम नहीं हो रहा कि जिसको ये अपनी जागीर समझते थे कि 8 क्लब उसका है, 7 उसका है, 3 उसका है, अब वो जब देखते हैं कि एक आम सा शख्स है और बाकी जनरली वो एक आम हीजा जस्ट आपकी तरह मेरी तरह के एक आम आदमी है जिनका बाप दादा कभी वजीर आला नहीं रहे, वो इनसे हजम नहीं हो रहा। आपकी कभी बुज़दार साहब से मुलाकात हुई है? नहीं। किसी फंक्शन वगैरह पे आप मिली हो? नहीं, कभी भी नहीं। आपने देखा हुआ है बुज़दार साहब को? हैं, आपने देखा ही नहीं? मैंने फेस नहीं देखा हुआ ना उनका, फेस नहीं देखा हुआ, लेकिन मैंने उनका नाम बहुत सुना हुआ। नाम बहुत सुना हुआ है। नाम से कैसे लगते हैं वैसे? एक बहुत ही स्ट्रांग किस्म की पर्सनालिटी हो सकती है। आपने सुना कि वो 2 घंटे सुबह जिम जाते हैं और जो उसकी वजह से सिक्स पैक्स बन गए? नहीं नहीं, इस तरह की स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं, जैसे कि होती है लाइक शहबाज शरीफ साहब की तरह की स्ट्रांग पर्सनालिटी, ऐसी कह सकते हैं उस तरह की लग रही है ना नाम से, वो देखें शहबाज शरीफ साहब की तरह की लगना शुरू होगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह मैंने उसे बात की, मैंने कहा जी ये जो लोग आपको मशवरे देते हैं ना कि आप उनकी तरह हो जाएं, तो मैंने कहा मेरे ख्याल है हमारी ये कामयाबी है कि आप उनके 180 डिग्रीज ऑपोजिट हो जाएं। इफ ही वॉज ड्रामे करते थे, आप ड्रामे ना करें, आप सीधी सीधी चीजें फिल्में करें। फिल्में कर रहे हैं, ठीक है, मैं ऑपोजिट सोच रहा हूँ। मगर सर आपके पास कोई तस्वीर है बुज़दार साहब की, कोई सेल्फी हो आपके, उन बच्ची को दिखा तो दे, उनको इतना तो पता चले बुज़दार साहब लगते हैं। कल को कहीं वो बैठी हुई हो किसी रेस्टोरेंट के अंदर, कैफे में बैठी हुई, साथ वाली सीट पे आके बुज़दार साहब बैठ गए, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे से चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है। देखना कितनी अच्छी बात है, एक सिंपल आदमी, बिल्कुल सादे आदमी ने जी, बैल दे के वेटर होंदा तो उन्होंने पूछण रहे होंगे की खाना ही। की हाल है? तुम किधर आज? तन पता कि मैं आज जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, मेरी जिंदगी दी वेचना साल हो गया, तब्दीली आ गई है। अच्छा, अल्लाह जिंदगी करे पीटीआई वालों दी, मेरी जिंदगी तब्दीली ना पर गई अल्लाह दी मेहरबानी ना। कैसे? पहले ताडे भरा को नवी लाल गड्डी नहीं सी, हां हुन ताडा भरा चिंगची ते आया। गड्डी किथे गई? 1.5 महीना पेट्रोल धार पवाया सी, उन्होंने रख ली। माशाल्लाह जिन्ने दे पेट्रोल पाए उन्हें दी ते गड्डी नहीं सी हैगी। अच्छा, इत्थे तब्दीली आ गई, मैं ते बड़ा मैं शुक्र गुजार हां। सेफ अलमारी नहीं सी हुंदी नवीं लई, तां दस्सिया। हां हां, वेखगी हसा, वेखगी जे कपड़े कादे च रखने हो? पानी वाले कूलर च, जो पानी पीदा उथे कपड़े धुल जांदे ने। इतने हालात बुरे हैं बाप, खत्म हो गई गल, टैक्स ही इन्ने लग गए यकीन कर। अच्छा, ज्यादा घर नहीं अपने जाना, अपने घर ही। क्यों? इधर टैक्स ना लग जाए, दरवाजा खोलने का 4500 रुपए टैक्स, यार ऐसे बैल देने का 3300 रुपए टैक्स, मैं टैक्स दी वजह तो काम खराब हो गया। लेकिन जो भी देखिए, मैंने पीटीआई दे इमरान खान साहब देख के मैंने खुशी हैगी। क्या उन्होंने जिले भी बंदा आता है ना मिनिस्टर या जो भी आए ने, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब रोंदे ने गरीबां दी वजह तो, ते उन्हें मुबारक हो, एक साल हो गया गरीब खान साहब की वजह तो रो रहे ने। कहते हैं कि अभी इलाज चल रहा है, बेहतरी बाद में आएगी। नाल दा घर मेरा ही है। अच्छा, और टीवी तो सुन के आया जी, तुहानू भी वेख्या सुना की हाल, तुहाडे गाने भी सुने, पहले मैं भाषण साहब नूं ते मिला। अल्लाह खैर, माशाल्लाह, देखो ना साढ़े जो केड़ियां खुशबूवां, आप वड्डियां परफ्यूमां, बड़े अच्छे गाने ने तुहाडे, माशाल्लाह एडे एडे सोहणे तुसीं म्यूजिक बनाए, गाने बनाए, सेहत भी बना लो खुदा। मैं सिर्फ हाशम भाई ने वेख के आया, मैनू सिर्फ दस दियो कदों तिकर हालात का कोई सिस्टम, मेहरबानी। कोई 2 साल खुदा दी कसम भाई, जो तुहाडी कंड सुनदी जे तुसीं 2 साल गए आना, तुसीं भरा जे मेरे, मैनू नहीं जे यकीन आ रहा। 100 दिन का भी तो क्या है ना, मेरे को हुण कख नहीं गा, मेरी कोई हेल्प करो, थोड़े जे पैसे दियो, तुहाडी मेहरबानी। किन्ने पैसे चाहिए? दे 5000 दे दे, इधर 5 दे, 3 दे, मैं वेख लैना किन्ना किधर लिया। अल्लाह फड़, उन्हां तो पैसे चंगे ने। बस ठीक है, हुण मैनू मेरी माँ की कसम है मैं वापस नहीं करदा। मैं एक बार इन्होंने घर गया, मैं कह यार मेरे बच्चे की शादी है, इन्हू समझाओ कि बच्चे दो ही अच्छे। अच्छा, अगू मैं पहल दिती है, ते 12 बच्चे आए ने। ਰਿਵਾਨ
सर। 1 2 3 4 ओ शुक्र। मुजफ्फराबाद आ रहे हैं। ओह नो। जलसा सी ना खान साहब दा। यस। मार मार नारे अपना नारा बज गया। तो बात चल रहा है। उस्मान बुजदार साहब की कॉल आ गई। अच्छा। मैंने कहा ने कम टू द सीएम हाउस। ओके। बजे आ गया मैं। बनता भी है। आ मैं पहुंचे ही हां। तो मैंने कहा ने इट इज टाइम टू रिजाइन। ओए। मैं हैरान हो गया। एडी अंग्रेजी बोली ने। मैं कह सर अल्लाह का वास्ता जे रिजाइन ना देना। शबाज गिल साहब ने भी रिजाइन दे दिता। ये सारा सूबा पंजाब का मैनू कले नू चलाउणा पैणा। मैनू कहंदे ने तैनू कह रहे हैं। अच्छा। यू रिजाइन दे। ओए होए। मैं क्या वाए। हाँ। कहंदा जो डिलीवर नहीं करेगा हाँ घर जाएगा। ओए होए होए। मैं क्या सर क्यों नहीं गए। हाँ। मैं अपने आप नु क्या ना। अच्छा। ओ मैं क्या मियां अफजल और निर्गोली क्यों नहीं गए। हाँ। मैंने कहंदे ने देखें ऊपर से ऑर्डर आ गया। हाँ। जो डिलीवर करेगा हाँ। वो रहेगा। जो नहीं डिलीवर करेगा वो जाएगा। ओके। मैं कहा सर मेरे तो तेज डिलीवरी कौन करता जी। हाँ। मैंने कहा नहीं बखा हाँ। किवें करेगा। कढ़िया मोटरसाइकिल हाँ। पी गया। आहा। 15 मिनट पिज्जा ले आके डिलीवर किया। मैं कहा खाओ। ते हुण मैं तुहानू कहना है भी डिलीवर करो। पीटीआई दी हुकूमत च रहना जे ते काम करो। अच्छा जी सर। ओ डोगर साहब। हां माशाल्लाह। मैं ते इन्हां दे वालिद साहब नाल भी काम कीता। अच्छा आशिक डोगर साहब। यस कसूर दे विच हां जो काम एक बारी फड़ लिया हां नहीं छड़ना। गुड आ करके हटदे ने। वेरी गुड माशाल्लाह बड़े नाइस मैंने पीटीआई दे विच नाइस कर। यस आ मैं एक बारी इन्हां दे घर गया। हां ते मैं कह यार मेरे बच्चे दी शादी है हां ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੀ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਅਗੂ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 12 ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਘਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਕੋ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਕੋ। ਯੈਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਸਨਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ। ਯੈਸ ਜੱਸੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਆਪ ਇਨਕੇ ਹੋਗੇ। ਆ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਦੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼। ਯੈਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट टाइम। ओके सर आपका एक गाना है चलते चलते जो कि आपने खुद ही कंपोज भी किया और लिखा अगर वो हमें सुना दे जरा। थैंक यू। ए कैन आई हैव अ वन फोटो प्लीज। यस श्योर श्योर। ओह माशाल्लाह थैंक यू। थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट टाइम। ओके सर आपका एक गाना है चलते चलते जो कि आपने खुद ही कंपोज भी किया और लिखा अगर वो हमें सुना दे जरा। थैंक यू। वन फोटो प्लीज। यस श्योर श्योर। माशाल्लाह थैंक यू। थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट टाइम। ओके सर आपका एक गाना है चलते चलते जो कि आपने खुद ही कंपोज भी किया और लिखा अगर वो हमें सुना दे जरा। थैंक यू। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी अजीबोगरीब क्या है? जी आज की अजीबोगरीब खबर ये है कि अमेरिका में एक बुजुर्ग खातून थक कर अपनी गाड़ी में सो रही थी और कुछ चोरों की नजर इस पे पड़ी तो उन्होंने फौरन मौके का फायदा उठाते हुए इस सोई हुई खातून को गाड़ी से निकाल के रोड पे लटा दिया और खुद गाड़ी लेके फरार हो गए। लेकिन जब इस खातून की आंख खुली तो वो बेचारी अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि जमीन पे थी। मुझे तो उन्होंने आंख खुली उन्होंने रौला पाता मेरे थल्ले को गड्डी खींच के ला गए। वैसे सर ऐसे कभी होता है कि आप लोग अपनी गाड़ी में सो जाएं? क्योंकि अक्सर लोग तो ड्राइव करते हुए सो जाते हैं तो कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप अपनी गाड़ी में सो गए हो? ड्राइवर चला रहा हो तो सो जाते होंगे। बड़ी दफा सो जाते हैं। हाँ वो तो कोई अगर हाँ। और कोई ड्राइव कर रहा है तो कितनी बुरी बात है। देखो बुजुर्ग औरत सी
ਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਸੋਤੀ ਹੂੰ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਗਾੜੀ ਚਲਾਨ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਗੀ ਜਿਤਨਾ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਕਭੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਕ ਆਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਭੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੇਲਤੇ ਖੇਲਤੇ ਆਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਦਾ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ ਗਾੜੀ ਚਲਾਣੀ ਆਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਰੋਕਨੇ ਮੇ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਗੇ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਸਿਰਫ ਚੀਕ ਮਾਰਦੀ सर 2020 खेलते हैं लोगों साहब आपसे स्टार्ट करेंगे सवाल पूछूंगा ऑप्शन दूंगा आपकी मर्जी के आप जवाब दें या ना दें अगर नहीं दिया तो आपको जनरल नॉलेज पे जाना पड़ेगा उठे तो मैं नहीं जाऊंगा सर योर कॉल सर ये बताइए एक तस्वीर जो मजबूरी के तहत आपको अपने घर में लगानी पड़ेगी बड़ी सी जॉइंट साइज फ्रेम होगा रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीर के ऊपर पड़ेगी इनमें से किसकी देखना चाहेंगे वो तस्वीर आप ऑप्शन आपके पास जो है वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब आसिफ जरदारी मैं अगर मजबूरी है तो आसिफ जरदारी साहब आसिफ जरदारी साहब की ठीक है सर ये बताइए एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं तीन लोग मौजूद हैं एक के साथ आप सेल्फी लेंगे एक को आप मरवतन स्माइल दे देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है तो वो तीन लोग कौन होंगे ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान मुराद रास और डॉक्टर शहबाज गिल तो किसके साथ सेल्फी ले रहे हैं मुराद रास मुराद रास साथ किसको आप मरवतन स्माइल दे देंगे चौहान साहब चौहान साहब और किसको कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है वो जिनका आ गया शहबाज गिल साहब ठीक है सर ये बताइए किसका फोन आया तो फौरन उठाएंगे किसका फोन आया तो मैसेज पे जवाब देंगे और किसका फोन आया तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगे आप ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब और जनाब जहांगीर तरीन तो किसका फोन है तो फौरन उठाएंगे अपने चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का फोन उठेगा मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं गवर्नर गवर्नर पंजाब को प्रोविंस की कोई बातें होंगी बिल्कुल जाहिर है और किसका फोन है तो बंद करके साइड पे रख रहे हैं फिलहाल वो उनको बाद में कॉल बैक करूंगा जंगी लेकिन फिलहाल बंद कर दूंगा बाद में कॉल कर ठीक है तरीन साहब फिलहाल आपका फोन बंद होगा क्योंकि गवर्नर गवर्नर होता है और चीफ मिनिस्टर होता है सर ये बताइए एक चेयर लिफ्ट दो पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई डोगर साहब उसके ऊपर बैठे हुए हैं सात से आठ घंटे चेयर लिफ्ट के ऊपर कोई मदद नहीं आने वाली इनमें से किन को अपने साथ इस चेयर लिफ्ट पर बिठाना चाहेंगे आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रिहाम खान और आयशा गुलेलई तो नहीं नहीं बिठाने के काबिल भाई बालो फिर मैं लिफ्ट चलानी हुई है गुलेलई गुलेलई आयशा गुलेलई होंगी ठीक है सर टाइटैनिक देखी हुई आपने जी देखी टाइटैनिक पर जाने का वक्त दो वीआईपी पास आपके पास एक आपका अपना दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं वो दूसरे वीआईपी पास पर अपने साथ आप किसको लेके जाना चाहेंगे ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं फैसल वाडा और डॉक्टर आमिर लियाकत फैसल वाडा साहब को ले फैसल वाडा डॉक्टर साहब आप नहीं जाएंगे टाइटैनिक के ऊपर सर डूबती कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट्स आपके पास एक आपकी अपनी दूसरी देखकर आप किसी की जान बचा सकते हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट देखकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब जहांगीर तरीन उस्मान बुज़दार साहब उस्मान बुज़दार बहुत सारी तालियां डॉगर साहब के लिए सना टाइटैनिक पर जाने का वक्त दो वीआईपी पास आपके भी पास एक आपका अपना दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं वो दूसरे वीआईपी पास पर आप किसको साथ लेके जाना चाहेंगी ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं उस्मान बुज़दार और जनाब मौलाना फजल रहमान मुझे पता ही नहीं है दोनों कौन है पिछली गली किराने की दुकान है दोनों दीदी अच्छा 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 आपको मौलाना फजल रहमान का भी आइडिया नहीं है नहीं कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मतलब मैंने कभी टीवी पे पॉलिटिशियन के लोगों से उस्मान बुज़दार या फिर डॉक्टर आरिफ अलवी अब आपको पता है डॉक्टर आरिफ अलवी कौन है नहीं ना 14 अगस्त से वन विलिंग कर दे पर्चा उस्मान बुज़दार या शाहिद खाकान अब्बासी कौन अब्बासी शाहिद खाकान अब्बासी शाहिद खाकान अब्बासी ये कौन है नहीं पता शाहिद खाकान अब्बासी का भी नहीं आइडिया नहीं एक और नाम चेंज करिए आप उस्मान बुज़दार या हमजा अब्बासी हमजा अब्बासी जी वैसे कोई मतलब चले आई कैन अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स से आपको आइडिया नहीं है लेकिन वैसे आपको डॉक्टर आरिफ अलवी का नहीं आइडिया नहीं बिल्कुल भी नहीं आपको क्या लग रहा है डॉक्टर आरिफ अलवी नाम से क्या लग रहा है फीमेल है फीमेल वाह 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 वाह
बात सुने बेटे, आप बेटे आप कौन से ख्वातीन को जानती हैं जिनका नाम आरिफ है? मुझे पहले उनसे तो मिलवाएं आप। आपने परवीन बोला ना मैं नाम में? नहीं नहीं, डॉक्टर आरिफ अलवी उनका नाम है। अच्छा, आरिफ परवीन। आप क्या समझे? आरिफ परवीन नहीं, आरिफ अलवी। डॉक्टर आरिफ अलवी। मुझे लगा इन्होंने परवीन बोला। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਪਰਵੀਨ ਬੇਟੇ, ਆਰਿਫ ਔਰ ਪਰਵੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਨੇ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਂ ਬੋਲਾ ਨਾ ਵੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਚਲੇ, ਆਪਕੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਗੀ ਮਗਰ ਚਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿਆ ਮਗਰ ਅਬ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ नाम से आपको क्या लग रहा है कौन होंगे? एक पर्सनालिटी होगी जो कुर्ते के साथ ऊपर ब्लैक कलर की लाइक वो पहनते होंगे वेस्टकोट, और उनकी नजर वीक होगी, उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई होगी, और वो डॉक्टर होंगे जैसे नॉर्मली। अच्छा मुझे एक बात, चलें आपको ममून हुसैन साहब का आइडिया नहीं था, मुझे बताया आप ट्रैवल करती हैं? हाँ जी बिल्कुल करती हूं। कराची लाहौर इस्लामाबाद जाती होंगी? चलिए खासतौर पर कराची लाहौर जाती होंगी। एयरपोर्ट जाती हैं? जी हाँ। ठीक है, एयरपोर्ट जब आप एंटर करती हैं तो जो लाउंज होता है जहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलता है, ठीक है, वहाँ पे आपने कभी नोटिस किया है कि ऊपर एक तस्वीर लगी होती है कायदे आजम की? जी जी जी। कराची एयरपोर्ट पे खासतौर पे बहुत जब एंटर करते हैं सिक्योरिटी की बात तो सामने लगी होती है जी। कायदे आजम की तस्वीर के साथ दो तस्वीरें और लगी होती हैं, कभी नोटिस की? जो देखो ऐसे बैठे हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बताएं, कभी नोटिस की? अगर तो कायदे आजम की तस्वीर है तो उनके साथ डेफिनेटली मोहतरमा फातिमा जिना की पिक्चर होगी या फिर अलामा इकबाल साहब की। नहीं नहीं, मोहतरमा की नहीं है वो, आपके उस वक्त आप आजकल नोटिस अगर करें तो इस तरह आजकल वहाँ पे इमरान खान साहब की एक तस्वीर लगी हुई है, इससे पहले नवाज शरीफ साहब की भी एक ज़माने में थी क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे वक्त के, ठीक है, इस तरह खान साहब की आजकल लगी हुई है, उनके साथ एक और तस्वीर लगी होती है, अब वो तस्वीर किसकी हो सकती है आपके ख्याल में? अलामा इकबाल साहब हैं और इमरान खान। कोई पुराने लीडर नहीं है हमारे, प्रेजेंट डे लीडर हैं। प्रेजेंट में मैं बताता हूँ जी, मुल्क में जो दो सबसे बड़े उद्दे होते हैं, एक तो वजीर आजम का होता है जी, दूसरा कौन सा होता है? हमारे जो सदर होते हैं। सदर, नहीं सदर, हाँ बिल्कुल ठीक, सदर तो, हाँ जी, वो आरिफ अलवी साहब सदर है पाकिस्तान। अच्छा, अच्छी लाइफ गुजार रही होंगी, इनको कोई परवाह नहीं है। एक्चुअली एनवी सना के आइडिया ही कोई नहीं था। यस, मतलब आपके लिए सिर्फ इमरान खान साहब एक हैं, और किन किन का पता है आपको? मैं तो उनको जानना चाहता हूँ। जब बहुत ज्यादा शोर मचा था ना वोट के लिए, तो घर में बहुत ज्यादा लोगों को बातें करते हुए सुना था मैंने कि वोट किनको देना है, वोट किनको देना है, जिसकी वजह से मुझे इमरान खान का नाम बहुत ज्यादा जो है। इमरान खान साहब का भी इस वजह से पता है कि वोट किनको देना था? हाँ जी, एक लेडी की वजह से। असल में मैं वोट कास्ट करने जब गई तब मैं लाइन में खड़ी हुई थी, और वो लेडी बहुत ज्यादा बुजुर्ग थी, और वो सबको रोक रोक के कह रही थी कि देखो बेटा, जब आप गलती करते हो तो आपको गलती की सजा मिलती है, लेकिन अगर आपके घर में एक और सिस्टर है और अगर वो कुछ काम अच्छा कर सकती है और सबको उस पर उम्मीद है, तो अगली बार मतलब गलतियां करने के बाद अगली बार वो मौका उसको देंगे। तो आप वोट डालने गई तो खान साहब का इंकशाफ हुआ कि इनको वोट देना है, तो मुझे पता नहीं लगा मैंने जाके। मुझे पता है नवाज शरीफ साहब का आइडिया है। हाँ जी बिल्कुल। वो कौन है? नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। उनके पास ओहदा क्या था? वो भी हमारे पीएम थे। पीएम, ये पता है ना पीएम थे, ठीक है। और जरदारी साहब का आपको आइडिया? हाँ जी। वो कौन है? वो भी पीएम थे ना किसी जमाने में? नहीं, वो पीएम नहीं थे। नहीं थे, नहीं थे। उनकी वाइफ थी? उनकी वाइफ प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, ठीक है। तो जरदारी साहब का इस तरह पता है। बिलावल कौन है? मेरे मल्ले नहीं रहिंदा, मेरे मल्ले नहीं रहिंदा। बिलावल साहब का आइडिया नहीं आपको? नहीं। एक हफ्ते 2020 को मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। डोगर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। सना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड योर करियर। और आपने गूगल की ऐप का भरपूर इस्तेमाल करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगली बार जब भी आप गाना गा रही होंगी, आप साइट पे गूगल खोल के रखना है और फिर रैंडम पाकिस्तानियों के नाम डालते जाएं और देखते जाएं वो क्या क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, ठीक है? ऑन भाई आ जाए मैदान में जरा।